नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा रिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग करेंगे 12th एंड 13th जनवरी की जो करंट अफेयर्स है उसकी मेजर हाईलाइट्स, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है नीचे में दिया हुआ है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले देखो गाइज, ये लास्ट क्वेश्चन जो था वो था शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने कौन सा टर्म के लिए। तो राइट आंसर था वो फोर्थ। और सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज कहाँ पे ओपन हुआ है रिसेंटली। तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और ये सियांग रिवर के ऊपर हुआ है, इंकियोंग अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में। इसका नाम जो है व्योरिंग ब्रिज रखा गया है। 48.43 करोड़ के लागत से ये बनाई गई है, और ये पैसा जो है डोनर ने प्रोवाइड किया है। डोनर का मतलब है डिपार्टमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और ये जो है 40 किलोमीटर जो है रास्ता कम कर देगी। सेंटर ने लॉन्च किया 5-ईयर प्लान टू कॉम्बैट पॉल्यूशन इन 102 सिटीज़ बाई, कब तक ये खत्म हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2024 तक, 2024 तक। 25th एडिशन ऑफ पार्टनरशिप समिट कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है आपका सी, मतलब मुंबई में। 29th इंडियन पेन कॉन्फ्रेंस 2019 स्टार्ट कब कहाँ पे हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है आपका आगरा में। और इस बार का थीम जो था, दैट इज पेंट्स पे चर्चा, आए नए आयाम। और ये लार्जेस्ट ट्रेड है जहाँ पे 50,000 करोड़ की जो है एक शो वहाँ पे आयोजित किया गया है। हु सोन इज द वेनेजुएला प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टर्म के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, ए निकोलस मादुरो। IWA प्रेसिडेंट का नाम क्या है जो चीफ द मिशन फॉर टोक्यो ओलंपिक्स बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज सी, वीरेंद्र प्रसाद भैसिया। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन पासपोर्ट इंडेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने सुधारा भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 79th। और इंडिया का जो इससे पहले 81st था 2018, दो पायदान नीचे आए हैं, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और चलो, ये जो हेनली वैसमैन इंडेक्स जो है वो प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एंड कवर करती है 191 पासपोर्ट एंड 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस, ठीक है। हु डिसकंटिन्यूज एन इंडियंस मेन हॉकी टीम कोच? मतलब किसने रिजाइन किया है इन्होंने? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज हरिंद्र सिंह ने। मैरी कॉम अटेन कौन से नंबर पायदान में आई है ABI रैंकिंग में? तो वो है अभी फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है। तो वो फर्स्ट पोजीशन में है, 48 kg कैटेगरी में टॉप ऑनर न्यू दिल्ली में मिला है। इन 51 kg की लिस्ट पिंकी झांगड़ा प्लेस 8। एशियन सिल्वर मेडलिस्ट मनीषा मौन जो है, मनीषा मौन को मिला है 54 kg की रेटिंग में, और 57 डिवीजन में सोनिया लाथेर जी को मिला है सेकेंड स्पॉट। हाउ मेनी स्टेट्स ने साइन किया एग्रीमेंट फॉर रेणुगंज मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज बी, मतलब 6, उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड जो है शामिल है। इंडिया फर्स्ट मैंड मिशन टू स्पेस बाई दिसंबर कब तक होगा एज पर इसरो रिपोर्ट? तो ये जो होगा आपका 2021 तक हो जाएगा, 2021 तक हो जाएगा। किसने रिजाइन किया NSC चेयरमैन से? तो राइट आंसर है बी, अशोक चावला। किसको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ ताइवान? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सू तेंग चंग को अपॉइंट किया गया है। नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व होता है? तो नेशनल यूथ डे होता है आपकी सी, 12th जनवरी को, और ये बर्थ एनिवर्सरी होता है स्वामी विवेकानंद जी का। GST रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट जो है इंक्रीज कर दिया, कितना तक? पहले 20 लाख था, अभी जो है वो 40 लाख कर दिया गया है। और ये 37th GST काउंसिल मीटिंग जो न्यू दिल्ली में है उसमें किया गया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 में? तो राइट आंसर है, दैट इज A41, ठीक है। नॉर्वे टॉप है इसमें, उसके बाद आइसलैंड, उसके बाद स्वीडन। किसको मिला है ICSI लाइफ टाइम अवार्ड फॉर ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज आदि गोदरेज जी को। और अल्बी मॉर्केल रिटायर कर चुके हैं, सभी फॉर्मेट कौन से कंट्री से वो बिलोंग करते हैं? तो वो जो है, दैट इज ए, मतलब साउथ अफ्रीका के से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आज का देखो क्वेश्चन जो है वो है, व्हिच टू बी द फर्स्ट आइलैंड टू ऑपरेट सी प्लेन्स अंडर उड़ान स्कीम, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये जरूर आंसर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।